नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ में। और आज आपको हम बताने वाले हैं कि आज हम लोग माटुंगा लेबर कैंप साइट की पूरी गणपति कवर कर रहे हैं। और अभी करंट टाइम पे हम लोग लेबर कैंप जो सुखकर्ता के गणपति के पास है। अभी जैसे कि आप पीछे साइड देख सकते हो मेरे, और हमारे साथ विक्रांत दादा है जिन्होंने लेबर कैंप से सुखकर्ता का स्केच तैयार किया है, जो हमारे साथ में खड़े हैं। कुछ बात करेंगे हम इनसे। जी नमस्ते, मैं विक्रांत सालस्कर। ये मुंबई के ऑलमोस्ट 60 to 30% मूर्तियों के स्केच में करता हूँ और वेपन्स भी डिज़ाइन करता हूँ और बनाता भी हूँ कुछ। बहुत ही अच्छी बात है कि हमको हम यहाँ पे आए और हमको दादा से मिलने को सौभाग्य मिला। जी बोलिए। और कुछ बताएंगे आप? बस अभी आप जो देख रहे हैं ये साल की मूर्ति जो है, ये श्री विष्णु जी के स्वरूप की मूर्ति है। ये साल 22 फीट की मूर्ति है और ये गरुड़ के ऊपर सवारी होते हुए मूर्ति है। इसका एकदम बहुत साल से मेरा ख्वाहिश था ऐसे गरुड़ के ऊपर ऐसे टाइप में मूर्ति डिज़ाइन करना, वो ये साल सक्सेस हुई। और ये मंडल में मेरा है कि विष्णु के जितने दशावतार है हुए तो सारे दशावतार मुझे ये मंडल में लाने हैं। और पिछले साल की आप मूर्ति अगर देखें तो पिछले साल गणेश जी का स्वरूप था, जो गणेश जी का जो स्टोरी है सांप वाली, जो गणेश जी लड्डू लेके जाते हैं वो वाली स्टोरी, चंद्रदेव वाली स्टोरी, वो स्टोरी के ऊपर था। उसके पिछले साल विष्णु जी के स्वरूप थे वरा रूप में, ये साल विष्णु जी खुद के स्वरूप पे गणेश जी है। इसके अगले साल भी मुझे विष्णु जी के सारे मतलब दशावतार है वो मुझे ये मंडल में लाने हैं, तो ये मेरा संकल्प है। कुछ हिंट दे सकते हैं जैसे कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर जिस अवतार में बप्पा आने वाले? अभी एक हिंट मेरा कैसा है कि सारे दशावतार का मैं स्केच बनाऊंगा, उसमें से सूरज जी है और मंडल के प्रेसिडेंट है आकाश भाई है और सूरज भाई है वाइस प्रेसिडेंट, तो वो जो उनके ऊपर ये रहता है डिसीजन रहता है कि कौन सा वाला ये साल अवतार लाए, तो वो उस अवतार को प्रार्थना करते हैं और उसका संकल्प लेकर के पापा का स्थापना करते हैं। मतलब कि पिछले साल पाठ पूजा होने से पहले उसकी तैयारी होगी और उसी टाइम मालूम पड़ेगा कि किस तरीके का स्केच तैयार होने वाला है। डेफिनेटली अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ईयर भी हम आएंगे, मिलिएगा आप यहाँ पे। श्योर श्योर श्योर। गणपति अप्पा मोरिया। गणपति अप्पा मंगल मूर्ति सुखा करता अच्छा। करंट टाइम पे हम लोग माटुंगा लेबर कैंप से वरदा विनायक गणपति के पास है और ये मूर्ति जगह पे ही बनती है, जिस तरीके से लालबाग के राजा मुंबई के महाराजा गणपति जगह पे बनती है उस तरीके से ये भी गणपति जगह पे ही बनाते हैं। और यहाँ के गणपति के स्केच आर्टिस्ट और मूर्तिकार भी हमारे साथ में है, चेतन भाई। गणपति बताइए गणपति के बारे में, मतलब कि आपने
स्केच किस तरीके से साकारा था और गणपति बनाने में कितना समय लगा, और जिस गणपति पप्पा को देख करके तो लग रहा है कि इको फ्रेंडली है एकदम, तो दो शब्द कुछ बताओ जरा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा गणपति बप्पा मोरिया, और इस पर हमारे जो दोस्त लोग है, जो अब ग्रुप है हमारा जो गणपति का वरदा विनायक का, इस बार कुछ अलग करने का प्लान था, और 10वां साल है ये साल, तो लड़के लोग का प्लान था कि कुछ अलग करना है इस बार, तो हमारा भी यही प्लान हुआ फिर एरिए पे बनाना है इस बार, और एरिए पे इसलिए बनाना है क्योंकि गली जो है हमारी एकदम सिस्टमेटिक है, वहाँ पर वो वायर से सब ये सब सिस्टमेटिक से हम लोग को मेजरमेंट करके बनाना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग ने बनाया गया है ये मूर्तियों को, और टाइमिंग इसका लगा है हम लोग ने 20 तारीख को चालू किया था बनाने के लिए स्टार्टिंग, और 6 तारीख तक का पूरा कंप्लीट हो ही गया था 20 अगस्त। गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।